जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा, जो आपकी पहले रैंक्स आती थी उससे बहुत ही बेस्ट आपकी रैंक्स आने वाली, याद रखिएगा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ, उससे पहला बोल रहा हूँ अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके लिए टिप रही वो ये रही, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है या बॉलर हो सकता है। अगर दोस्तों प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो वही प्लेयर अगर न्यू है या बिग है, मतलब जो ज़्यादातर ईयर्स में परफॉर्मेंस कर आया है, पर अब मतलब 4-5 ईयर हो गए उसको खेलते हुए, तो भी वो परफॉर्म करेगा अगर उसका फॉर्म चल रहा है। और अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो वो बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, फिर वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस आपको करके नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को याद रखिएगा, प्लेयर्स फॉर्म में आपको लास्ट 5 मैचेस की फॉर्म देखनी है किसी प्लेयर की, जिसे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो उसकी, ठीक है। उससे आगे की देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा लास्ट 5 मैचेस में ही कि वो प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं दोस्तों विराट कोहली का, आप सभी को पता होगा आईपीएल 2022 इतना अच्छा नहीं गया था। अगर आप आईपीएल 2023 की बात करते हो विराट कोहली की, तो बहुत अच्छा गया था उसके कंपेरिजन में 2022 के, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों दो प्लेयर्स की और बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो दिनेश कार्तिक हैं, दीपक हुड्डा हैं, इनका आईपीएल 2000, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 अच्छा गया था। अगर आप आईपीएल 2023 देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का, तो बिल्कुल भी खास नहीं गया, इतना याद रखिएगा। तो प्लेयर तो वही रहे हैं, ईयर चेंज हुआ है और उनका फॉर्म चला गया, तो मतलब जो परफॉर्मेंस कर रहे थे फिर वो परफॉर्मेंस करना बंद कर दी, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि फॉर्म जाता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ईयर तक ज़्यादातर जो आप मैचेस खेलोगे 10-15-20, तो उसमें ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर वही प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, और जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहली टिप हो गई है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ। उससे पहला बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हैं फैंटेसी की, तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा दोस्तों ड्रीम 11 पे आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये एंट्री फीस है, ठीक है, प्राइस पूल 10,000 है, 2 मेंबर्स कॉन्टेस्ट है, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पूल 10,000 है, ठीक है। तो दोनों का प्राइस पूल तो 10,000 है, पर एंट्री फीस दोस्तों 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है और विजन 11 कम लेती है। तो इस तरीके से आपको एक तरीके का ये प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले, जो आपकी सेविंग होगी आप उसे मान सकते हो कि मतलब वो आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। अब ज़रूरी नहीं है आपको बड़े ही बड़े कॉन्टेस्ट खेलना है, 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, 100 रुपये का भी खेलते हो यहाँ पर खेली के आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकेंड टिप की ओर बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि जो भी कैप्टन होता है किसी भी टीम का हो, ठीक है, वो टॉस जीतकर बॉल फर्स्ट करता है, फील्डिंग पहले करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर लेते हैं कभी और कभी बैट फर्स्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर ज़्यादातर बॉल फर्स्ट होता है, 10 मैच में से 9 टाइम्स तो ऐसे ही होगा, तो इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस से कि मतलब स्कोर ज़्यादा बनने वाला है, आपके बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्म करने वाले हैं, बॉलर्स कम विकेट लेंगे, और लेंगे तो कहाँ पर लेंगे, पावर प्ले और डेथ में लेंगे, मिडिल में बहुत कम विकेट गिरने वाले हैं, इतना याद रखिएगा। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं T20 में ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलता है, याद रखिएगा 170 से प्लस देखने को मिलता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, इतना याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स देते हैं और बॉलिंग से भी देते हैं विकेट लेकर, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों बैलेंस पिचेस पर जो आपका टॉप ऑर्डर होता है किसी भी टीम का वो फ्लॉप हो जाता है, 102 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं बैट्समैन, ठीक है। और 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये सभी टीम से आईपीएल हो या इंटरनेशनल मैचेस हो, 4 5 6 नंबर ये होता है ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का, तो इन नंबर्स पे जल्दी बैटिंग आ जाती है इनकी, तो ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और एक आध विकेट लेकर भी आपको देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं बैलेंस पिचेस पर, ठीक है। पॉइंट देते हैं मतलब फैंटेसी पॉइंट देते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर T20 में ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा बैलेंस पिचेस पर, तो याद रखिएगा आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है स्टेडियम्स पर बैलेंस पिचेस पर 160-165 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं एक स्पिनर्स होते हैं, ज़्यादातर जो आपके पेसर्स हैं वही विकेट लेते हैं क्योंकि वो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, वहाँ पर भी बल्ले आज को मतलब पावर प्ले का यूज़ करना है तो वहाँ पर बल्ला घुमाना होगा। और दोस्तों आपके जो डेथ में बॉलिंग करते हैं वो भी आपके यहाँ पर फास्ट बॉलर्स होते हैं, पेसर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता है कि आपको सेट होना है उसके बाद मारना है, नहीं आपको हर बॉल पर घुमाना है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी आपके डेथ ओवर्स में ही ली जाती हैं क्योंकि वहाँ पर एक एक ओवर में दो दो तीन तीन विकेट गिर जाते हैं, तो याद रखिएगा स्पिनर्स विकेट कम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम विकेट गिरते हैं और वहाँ पे आपको पारी को संभालना होता है, एक आध चौका मारना है और उसके बाद आपको सिंगल डबल लेने हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर इसको देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है 140-145 देखा जाता है T20 में, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस की। चलिएगा दोस्तों हम बात कर लेते हैं थर्ड टिप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस प्लेयर को आपने रखा है वो 5 नंबर दिखा रहा है कि 5 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, तो आपने रख लिया पर वो 6 पर आएगा तो फिर आप सोचो कि किसे जल्दी आउट कराओ, नहीं तो मेरे बैट्समैन की तो मतलब बॉलिंग जो बॉल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसकी बैटिंग ही नहीं आएगी, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, और याद रखिएगा फैंटेसी में ये कोई भी नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा आपका भाई, ये भी बताता है एक एक प्लेयर का, जैसे मतलब कौन पावर प्ले में करेगा और कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन डेथ ओवर्स में करेगा, तो याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर कैसे बताता है, एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहोगे फिर यहाँ पर रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर पर आएंगे, विराट कोहली 3 नंबर 3 नंबर पर आएंगे, हार्दिक पांड्या 5 नंबर 5 नंबर पर आएंगे। अब हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे होगी O/M लिखा है रेड में, ठीक है, वाइट कलर में लिखा है पर यहाँ पर आप बॉक्स देख पा रहे होगी, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आप O/M देख पा रहे हो, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे मिडिल में 1 ओवर डालेंगे क्योंकि आपको पता होगा हार्दिक पांड्या कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में करते हैं और मिडिल ओवर्स में करते हैं, डेथ में नहीं करते, बहुत कम होता है क्योंकि ये 5th ऑप्शन नहीं होते हैं, 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, ज़्यादातर बहुत कम होता है, 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और मिडिल में फिर आपके 2 ओवर डालेंगे, डेथ में बिल्कुल भी बहुत कम बॉलिंग करते हैं कभी कभार। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों बॉलिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे O/D लिखा है भुवनेश्वर कुमार के सामने, तो ये अब SRS से खेलते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो वो ओपनिंग में दोस्तों ये 2 ओवर डालते हैं मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसे ही करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालती थी और 2 ओवर डेथ में डालते थे, तो इतना याद रखिएगा। बैटिंग ऑर्डर सभी का आपका भाई बताता आपको एक एक प्लेयर का और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता, आपका भाई सिर्फ बताता है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, याद रखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। अगर आपको कोई एक प्लेयर फ्लॉप हो गया जो आपको लग रहा है कि कम पॉइंट देकर गया है ये ड्रीम टीम में नहीं आएगा, या 2 प्लेयर भी फ्लॉप हो गए ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे आपको ऐसा लग रहा है, तो याद रखिएगा आपकी फिर भी आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन गलत हो गया तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कैप्टन और वाइस कैप्टन चलते हैं उसके बाद ही आपका चांस होता है कि आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लेकर आ सकते हो, अगर आपके प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा तो चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना है आपको, बिल्कुल याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बनाना कैसा है, तो याद रखिए दोस्तों, अगर मैं दो आपसे नाम पूछूंगा कि दो नाम बता दो जो आपके मैच में आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा कि वो दो नाम सही हो जाएं, क्योंकि 22 प्लस हमको देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, तो 22 प्लेयर्स में से दो नाम बताओगे बहुत कम चांस होगा कि आपके वो सही निकल जाएं। पर अगर मैं आप सभी से सिक्स नाम पूछूंगा कि सिक्स नाम बता दो जो आपको लग रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आज बन सकते हैं, तो आप नाम बताओगे और बहुत ज़्यादा चांस होगा वो सही निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कुछ ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं सभी टीम्स में, मतलब जो खेलते हैं वही ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं। बहुत कम होता है कि कोई न्यू प्लेयर आया उसने, मतलब या यंग प्लेयर है उसने बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिया, उससे आगे कोई अब निकल नहीं पाएगा, बहुत कम होता है। ज़्यादातर जैसे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं, वही देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो। तो ऐसे आपको सिक्स प्लेयर निकाल लेने दोस्तों जो आपको लग रहा है आज के दिन मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, उन्हें निकाल लीजिएगा सिक्स प्लेयर को, फिर देखिएगा उसमें दोस्तों कोई बैट्समैन है तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर किसी भी बैट्समैन का है जो आपको लग रहा है जो आपने सिक्स प्लेयर निकाले उसमें है कोई इन नंबर का बैट्समैन और उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि डेथ एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट देकर जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, पर उसका फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं किसी ऑलराउंडर को आप रख रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, आपको लग रहा है कि आज ये ऑलराउंडर बन सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों पाँच या सिक्स नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी को पता होगा रविंद्र जडेजा दोस्तों जब इंडिया से पहले खेलते थे तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता था, 7 नंबर पर बैटिंग करने आते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाता, 5 या 6 पर आ ही जाना चाहिए। और याद रखिएगा उस दिन वो 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि एक आध ओवर डालेगा, नहीं तो डालेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्योंकि अगर आपको बैटिंग से पॉइंट दे दिए पर बॉलिंग से नहीं दिया तो बहुत कम चांस होगा कि उससे ज़्यादा कोई ना दे सके पॉइंट, उससे ज़्यादा फिर कोई ना कोई तो दे ही देगा, इसलिए याद रखिएगा बैटिंग से भी आपको पॉइंट मिलने चाहिए और ऑलराउंडर है तो फिर यहाँ पर आपको बॉलिंग से भी मिलने चाहिए, इसलिए ये याद रखिएगा 6th ऑप्शन है या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का। बॉलिंग अगर एक आध 2 ओवर ही करेगा तो मत रखिएगा, कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि 1st और 2nd नंबर में कोई भी ऑलराउंडर बॉलिंग करता है तो ज़्यादातर विकेट नहीं लेता है, 3rd और 4th ओवर में ही विकेट लेता है, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी ऑलराउंडर हो या बॉलर हो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, पहले ओवर में बहुत कम बॉलर्स लेते हैं विकेट। अगर दोस्तों किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा डेथ में जो 2 ओवर बॉलिंग करता हो और पावर प्ले में 2 ओवर बॉलिंग करता हो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, जिसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, कंसिस्टेंसी के साथ विकेट निकाल रहा है, तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है, जो डेथ में बॉलिंग करता हो 2 ओवर करता हो T20 में, अगर आप सभी को पता होगा ODI में करेगा तो वहाँ पर 4 से 5 ओवर करेगा डेथ में, ठीक है, याद रखना। तो चलिएगा दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं 6th पॉइंट, ये दोस्तों आप सभी के लिए बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है पर आपका भाई आपको बता रहा है, ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की, नीड लक दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर लक की फैंटेसी में, अगर आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग, तो याद रखना दोस्तों मैं लक परसेंटेज आपका बता देता हूँ, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों जिसमें 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप जीत जाओगे, तो याद रखिएगा वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपको नॉलेज चलती है, जो मैंने आपको लास्ट 5 टिप बताई हैं उन्हें फॉलो करोगी और हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलोगे तो फिर आप ईजिली जीत जाओगे, क्योंकि वहाँ पर 10% ही लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। चलिएगा, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग और कि यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हो, आप स्मॉल लीग बोलते हो, अब इसमें मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा आपका, यहाँ पर याद रखिएगा लक परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर बढ़कर 20% और 80% आपकी नॉलेज होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 20% आपका लक हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो 3 मेंबर कॉन्टेस्ट है इसमें भी आप जीत जाओगे अगर जो मैंने लास्ट टिप्स बताई उन्हें फॉलो करोगे, ठीक है, यहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर दोस्तों हम ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा
50-50 चांस होता है कि आप जीत भी सकते हो, 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। आपको अपना बेस्ट देना है, 50% नॉलेज। आपको ज़्यादातर टीम्स नहीं बनानी है, आपको 60 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, बहुत कम चांस होता है। उससे ज़्यादा आपने देखा भी नहीं होगा कि 15, 16, 18, 19, 20 नंबर की टीम ग्रैंड लीग में फर्स्ट आएँ। ज़्यादातर जो आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर की टीम ही फर्स्ट रैंक पर आते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज लगाना है, थोड़ा लक भी साथ देगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट आएगी रैंक। ठीक है, मेगा ग्रैंड लीग हो या ग्रैंड लीग हो, 50-50% चांस होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन लक अपना 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, भले आप 100 टीम बनाओ या 200 टीम बनाओ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और अगर आप 200 टीम बनाओगे तो तुक्का मारोगे, फिर ये याद रखिएगा, फिर आप लॉस में भी चले जाओगे।